बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बच्चों, आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 1 है। तो टॉपिक है बच्चों, ये जो चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज के बारे में है। गैसियस एक्सचेंज क्या होती है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। ऑक्सीजन का जिस्म के अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का जिस्म से बाहर जाना, गैसों का तबादला कहलाता है। जनरली तौर पर यही डेफिनेशन है, वरना कभी जो लाइक पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात के वक्त बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, वो भी गैसियस एक्सचेंज है। लेकिन जनरली तौर पर, आम तौर पर, ज़्यादातर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। सबसे पहले हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन एयर एंड इन वाटर के। एडवांटेजेस देखेंगे और डिसएडवांटेजेस देखेंगे, फवायद और नुकसान देखेंगे गैसियस एक्सचेंज के। किसके अंदर? एयर के अंदर और बच्चों वाटर के अंदर। कि गैसों का तबादला जो हवा में होता है उसके क्या फ़ायदे हैं और नुकसान हैं, और पानी में गैसों के तबादले के क्या नुकसान या फ़ायदे हैं, तो देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट ओनली बाय डिफ्यूजन। तो बच्चों, ये जो रेस्पिरेशन होती है ना, ये दो किस्म की होती है बेसिकली, ठीक है। ये रेस्पिरेशन दो लेवल्स पे होती है, एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होती है, ठीक है, जिसको सिंपल हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें सेल में मौजूद जो ग्लूकोज होती है उसको ऑक्सीजन तोड़ती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से, ठीक है। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है सेल के अंदर, और ऑक्सीजन जो उसको ब्रेक करती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, और वहाँ से एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जबकि जो दूसरी रेस्पिरेशन होती है वो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होती है, कि हम जानदारों के लेवल पे होती है, उसको ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं बच्चों, उसको वेंटिलेशन भी बोलते हैं, ठीक हो गया। लाइक सिंपल है, हवा का अंदर जाना और हवा का बाहर जाना, तो वो ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन होती है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन इज कैरिड बाय ओनली बाय डिफ्यूजन। तो ये एमसीक्यूज है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो गैसों का तबादला डिफ्यूजन से होता है। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन में जो गैसों का तबादला होता है वो डिफ्यूजन से होता है। इसका मतलब क्या है? लाइक अगर हम अपनी बात करें कि जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर ज़्यादा होती है, ठीक है, हवा में, एयर में, एटमोसफेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, अंदर ऑक्सीजन कम होती है, लिहाजा ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, जबकि हमारे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, बाहर कम होती है, लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। सो चीज़ों का ज़्यादा से कम की तरफ मूव करना, चीज़ों का हायर टू लोअर मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है। तो गैसों का तबादला किसके ज़रिए होता है? डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। रेस्पिरेटरी गैसेस आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड द आउटसाइड मीडियम विच मे बी वाटर और इट मे बी एयर। तो रेस्पिरेटरी गैसेस, बच्चों रेस्पिरेटरी गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आती हैं। सो ये रेस्पिरेटरी गैसेज जो होती हैं ये एक्सचेंज होती हैं किसके दरमियान? बॉडी फ्लूइड के दरमियान और आउटसाइड मीडियम के दरमियान क्या होती हैं? एक्सचेंज होती हैं। और आउटसाइड मीडियम बच्चों वाटर भी हो सकता है और एयर भी हो सकती है। सो रेस्पिरेटरी गैसेज आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी फ्लूइड्स एंड आउटसाइड मीडियम, एंड आउटसाइड मीडियम में भी वाटर एंड में भी एयर। आगे चलते हैं। देर इज नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू मूव रेस्पिरेटरी गैसेज अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो आपने ऊपर देख लिया कि गैसों का तबादला, गैसों की मूवमेंट डिफ्यूजन के जरिए होती है, ठीक है, और गैसें एक्सचेंज होती हैं दो चीज़ों के दरमियान, एक बॉडी फ्लूइड के दरमियान और एक आउटसाइड मीडियम के दरमियान। जो आउटसाइड मीडियम होता है बच्चों वो माहौल होता है, और कुछ जानदार आपको पता है पानी में रहते हैं, तो लिहाजा वहाँ पे आउटसाइड मीडियम या एनवायरनमेंट क्या होगा? वाटर होगा। तो वाटर और बॉडी के दरमियान गैसों का तबादला होगा। बाकी ज़्यादातर जानदार खुश्की पर रहते हैं, तो वहाँ पर गैसों का तबादला बॉडी और एयर के दरमियान होता है। बाकी आपको भाई फिर बता रहे भाई कि देयर इज नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू मूव रेस्पिरेटरी गैसेज अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, कि कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हो आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए गैसों को मूव नहीं करा सकते। तो गैसें किससे ट्रांसपोर्ट होती हैं? डिफ्यूजन से। आगे चलें। फॉर दैट मैटर एयर इज बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर। अब एमसीक्यूज है कि एयर जो है बच्चों इट इज बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर। एयर जो है वो एक बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम है।
किसके मुकाबले में? वाटर के मुकाबले में। ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन मोर इजीली फ्रॉम एयर देन फ्रॉम वाटर। जो ऑक्सीजन है उसको आप इजीली ले सकते हो कहाँ से बच्चों? एयर से, देन फ्रॉम वाटर, बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स। तो यहाँ पे एक बात जो आपने देखी, आपने कहा जो एयर है वो वाटर के मुकाबले में बेहतर रेस्पिरेटरी मीडियम है, बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम है। क्यों? क्योंकि एयर से ऑक्सीजन को लेना ज़्यादा आसान है बनिस्पत किससे? वाटर से। कैसे? पहली रीजन क्या है बच्चों के? ऑक्सीजन को हवा से लेना ज़्यादा आसान है देन द वाटर। कैसे? द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एयर इज मच हायर देन द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। कि द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर इज मच हायर देन द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक लीटर बच्चों किसका है? वाटर का। और एक लीटर आपके पास किसका है? एयर का। तो एयर के एक लीटर में ऑक्सीजन क्या होती है? ज़्यादा। जबकि वाटर के एक लीटर में ऑक्सीजन क्या होती है? कम। सो अगर दोनों का वॉल्यूम बराबर हो, दोनों की अमाउंट बराबर हो, तो एयर के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार क्या होती है बच्चों? ज़्यादा होती है। और पानी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार बच्चों क्या होती है? कम होती है। आगे MCQs है कि ए लीटर ऑफ वाटर कैन नॉट कंटेन इवन 10 ml ऑफ ऑक्सीजन। कि वाटर का एक लीटर हो उसमें 10 ml से भी कम ऑक्सीजन होती है, 10 ml से भी कम ऑक्सीजन होती है। वेयर एज ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द फ्रेश एयर इज अबाउट 200 ml पर लीटर। लेकिन जो आपके हवा है उसके एक लीटर में 200 ml से भी क्या होती है? ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। तो MCQs आएगा कि 1 liter ऑफ वाटर, 1 liter ऑफ वाटर कंटेन हाउ मच ऑक्सीजन? लाइक 10 ml। एंड 1 liter ऑफ एयर कंटेन 200 ml ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर पर एयर। सही है बच्चों? तो एयर के एक लीटर में 200 ml ऑक्सीजन है, जबकि पानी के एक लीटर में 10 ml ऑक्सीजन है। दूसरा क्या फ़ायदा है जिसकी वजह से ऑक्सीजन को आप आसानी से ले सकते हो? किससे? हवा से। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस अबाउट 8000 टाइम्स मोर क्विकली इन एयर देन इन वाटर। के अगर हवा हो तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो 8000 टाइम क्विकली क्या करती है? डिफ्यूज करती है पानी के मुकाबले में। सिंपल है कि हवा होगी तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन की मूवमेंट होगी, ऑक्सीजन की डिफ्यूजन होगी, वो 8000 गुना ज़्यादा होगी बनिस्पत किसके? वाटर के। वाटर में जो डिफ्यूजन होगी वो 8000 गुना कम होगी। अगर इसमें ऑक्सीजन की डिफ्यूजन 8000 गुना कम, एयर में 8000 गुना ज़्यादा। आगे चलते हैं। ब्रीदिंग और वेंटिलेशन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये जो ब्रीदिंग है बच्चों, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, इसको वेंटिलेशन भी बोलते हैं, इसको ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। चार नाम है इसके। सिंपल, इसका मतलब ये होता है हवा का अंदर जाना, हवा का बाहर आना। हवा अंदर क्यों जाती है? ताकि ऑक्सीजन ली जाए। हवा बाहर क्यों आती है? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाए। ब्रीदिंग, वेंटिलेशन, दूसरे दो नाम है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, और चौथा जो नाम है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। सो ये क्या होती है? इट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो ब्रीदिंग या वेंटिलेशन है इसमें डायरेक्टली गैसों का क्या हो जाता है बच्चों? तबादला हो जाता है। द वेंटिलेशन ऑफ वाटर इज फार मोर डिफिकल्ट देन द वेंटिलेशन ऑफ द एयर। के जो पानी की वेंटिलेशन होती है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है देन द वेंटिलेशन ऑफ द एयर। के लाइक पानी में सांस लेना बड़ा मुश्किल है, पानी में वेंटिलेशन डिफिकल्ट है, लेकिन हवा में वेंटिलेशन आसान है। क्यों? पानी में मुश्किल क्यों है? बिकॉज वाटर इज 8000 टाइम्स मोर डेंस देन एयर। इसकी वजह यह है कि जो पानी होता है बच्चों, ये 8000 गुना डेंस है, गाढ़ा है किसके मुकाबले में? एयर के मुकाबले में। पानी 8000 गुना डेंस है एयर के मुकाबले में, लिहाजा पानी में वेंटिलेशन डिफिकल्ट है। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ विस्कासिटी द वाटर इज 50 times मोर विस्कस which makes it more difficult for exchange of gases as compared to air. इसी तरह अगर हम गाढ़े पान की बात करें जिसको विस्कासिटी कहते हैं, जो पानी है वो 50 times विस्कस है किसके मुकाबले में? एयर के मुकाबले में। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे MCQs हैं। पानी 50 times मोर विस्कस है एयर से, इसी तरह पानी 8000 times मोर डेंस है किससे? एयर से। ये मुख्तलिफ आपके MCQs थे, तो अच्छे तरीके से बच्चों इसको आपने देखना है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई एयर इज बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर, तो ये आपने करना है। ठीक हो गया। और ये इस तरह भी बन सकता है कि एयर से ऑक्सीजन लेना
क्यों आसान है पानी के मुकाबले में। और भी पूछा जा सकता है कि जो वेंटिलेशन है वो वाटर की मुश्किल है, वेंटिलेशन वाटर में मुश्किल से होती है देन द एयर, इसका भी जवाब आपने देना है। तो ये भी शार्ट क्वेश्चन बन सकता है, ऊपर वाला भी शार्ट क्वेश्चन बन सकता है, बाकी बहुत सारे क्या हैं आपके एमसीक्यूज हैं। अल्लाह हाफिज़।